नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, दारू का बात करें तो सबका मन एकदम आकर्षित हो जाता है कि मिलता कहाँ है। यही बात पर आज हम बनमनखी में हैं। अब बनमनखी में बोले तो कम से कम बेना ड्रिल का यहाँ पर जितना भी तनी हम चाहेंगे दिखाइए भाई। बेना ड्रिल इतना बेना ड्रिल है कि और वो भी एक्सपायरी, तीसरा महीना 2022 का एक्सपायरी दवाई यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ के ड्रग्स इंस्पेक्टर को आता पता नहीं है, यहाँ का जो दवाई का देखरेख करने वाले हमारे पदासीन हैं उसका कोई पता नहीं है। पूरे बनमनखी में कहता कि स्वच्छता बड़ा बनमनखी बनाएंगे, प्रहलाद मठ को चमकाएंगे। सिकली अगर धारा हिस्ट्री में है उसको भी देखना होगा, लेकिन है ये NH के बगल में इतना बेना ड्रिल, ये बड़ा अजीब बात है। कारण ये है कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, इस वजह से यहाँ ये कुव्यवस्था बना हुआ है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अनजाम में गुलस्ता क्या होगा। हई बनमनखिया का बात नहीं है, पूरे बिहार में यह हाल है। ये दवाई अगर एगो मेंटल आदमी पी ले, हम तो जानते हैं कि बढ़िया आदमी नहीं है पिएगा, काहे गढ़वा में फेंका है। लेकिन मेंटल आदमी अगर पी ले, अगर मेंटल आदमी पी ले तो उसका जान चला जाएगा। जिम्मेदार कौन है, बनमनखी के पदाधिकारीगण या फिर यहाँ की जनता? उधर से लाया और पूरा उलेर दिया। कौन सा ड्रग्स का दुकान है? हाई देखिए, दिखाइए हो कौन सा है। हाई बेना ड्रिल है। अच्छा तनी खोलिए तो इसको, खोलिए 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 इसको। अरे ये ढकनवा हटाइए ना बाबा, रे बाबा खोलिए। हाँ इधर तनी गिराइए इसको। क्या कर रहे थे आप? गिराइए गिराइए। उठा रहे थे, देखिए शख्स किस तरह यहाँ पर पड़ा हुआ था, उठा रहे थे। अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से दवाई भरी हुई है, वो भी एक्सपायर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये चीज़ देखने वाली बात है। यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि इसका छानबीन करे, किस ड्रग्स दुकान से इसका कोड नंबर जांच करके ये पता करे, और इस तरीके के अपराध करने वाले दुकानदारों को सजा मिले। बनमनखी से MS परदेसी। तो रात में या तो 4 बजे भोर में ही फेंक करके यहाँ पे। क्या बोतल, सारी बोतलें भरी हुई है? उसको हम नहीं देखे हैं अभी, लेकिन देख लेते हैं जी। हाँ, भरा हुआ है सब बोतल, 1-2 हजार से ज्यादा होगा, 2000-3 हजार। किस तरह की दवाई है, क्या जानते हैं इसके बारे में? नहीं, इसके संबंध में हम कुछ नहीं जानते हैं, कौन दवाई है या नहीं है इस संबंध में हमको पता नहीं। क्या इस तरह खुले में फेंकना चाहिए? नहीं, यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंकता तो उसी समय उसको पकड़ करके हम पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन उस वक्त हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग देखे हैं कब, जब निकलते हैं चाय पीने के लिए, तब देखते हैं यहाँ पर उजाला हुआ है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ चमकलाल शाह। ये कौन सा रोड है? ये है NH 107 ड्रेनेज कॉलोनी के ठीक सामने में जो है फेंका है, ड्रेनेज कॉलोनी के सामने फेंका है, गेट के सामने सामने फेंका है। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। आप सर ये बताइए, NH के बगल में इतना सारा बेना ड्रिल का पूरा भरा भरा एक्सपायर बोतल यहाँ रखा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? अभी मैं इस रोड से धारा की ओर जा रहा था, मैं देखा यहाँ भीड़ लगी हुई है और रोड के बगल में हजारों बोतल एक्सपायरी बेना ड्रिल सिरप, जिसको आजकल लोग नशा के रूप में प्रयोग करते हैं आज के युवा। और आज बनमनखी ही नहीं, पूरे बिहार में लगभग 90% यूथ नशा का यूज करते हैं। इस एक्सपायरी दवा को यदि किसी ने गलती से अनजान में भी उठाकर यदि पी लिया जी, तो वह बच नहीं सकता है। मैं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से और ख़ास करके जो जिला के चिकित्सा प्रभारी हैं और DI हैं और बनमनखी अनुमंडल के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि इस बोतल को सील कर इस बोतल की जांच की जाए कि ये दवा किस डिस्ट्रीब्यूटर को के यहां से यह निकला है
और बैच नंबर से यह पता चल जाएगा कि किस दुकान वाले को यह दिया गया है। और ऐसे दवा दुकानदारों को, ऐसे एजेंसी वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस दवाई को यहाँ से उठा करके तुरंत अविलंब हटा करके इसको जला दिया जाए। नहीं तो यदि किसी बच्चे के हाथ में पड़ गया और कोई पी लिया तो वह कदापि नहीं बचेगा। क्या परिचय हुआ सर? गोपाल सिंह, जन अधिकार पार्टी प्रदेश सचिव। जी धन्यवाद। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बहुत बड़ी गलती तो है नगर पंचायत के लोगों का, जो यहाँ का जो इस खास करके इस वार्ड का जो परिषद है, तीन नंबर वार्ड में यह शायद पड़ता है, और यहाँ जो मेडिकल का दुकान है अगल बगल में, वही लोग यह फेंकने का काम क्या है। और यह इतना गंदगी क्या है, इसको यह कहा जाए जो यह कहीं बाय दी हुई, अभी का जैसा युवा वर्ग नशा की आदत लगा हुआ है, यदि अभी यह पी ले तो उसका तो मरना सुनिश्चित है, चूँकि यह डेट एक्सपायर है। सारी बोतल भरी हुई है और ये स्थिति सिर्फ यहाँ का नहीं है, ऐसा ऐसा कई जगह नज़र पड़ा है जो एक टोकरी है को फेंका हुआ है एक्सपायर। और इसमें सबसे ड्रग इंस्पेक्टर जो है इस मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिला लेवल का जो है पदाधिकारी, खास करके उन लोगों को मिली भगत से ही ऐसा क्रियाकर्म किया जाता है। यदि वह लोग मिली भगत नहीं हो तो यह घटना घटित नहीं होगा। और इसको तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट को चाहिए, जो यहाँ के बनमनखी के जो प्रभारी है कम से कम जी, उनको इस पर निगरानी करना चाहिए। और इसको तुरंत आके चाहे वो आग में जला दिए चाहे मिट्टी में गर, निश्चित गराना चाहिए, जो लोगों के ज़िंदगी से नहीं तो खिलवाड़ होगा ही। क्या परिचय? हमारा परिचय है जो हम प्रखंड बनमनखी में हम पंचायत समिति के सदस्य भी हैं जी, और उत्पादन समिति के हम अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेनाड्रिल यहाँ फेंका हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे वकील साहब? बेनाड्रिल जो फेंका है, ये किसने फेंका और क्यों फेंका है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन NH के बगल में नहीं फेंकना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, मिट्टी के नीचे में डालना चाहिए था, लेकिन लोग अकलमंद हो, जो होशियार हो वो ना डालेगा, जो कूड़ा में दिया फेंक दिया, कौन फेंका ना फेंका, उसको तो सही जगह पर पहुँचाना चाहिए था। कहने का मतलब ड्रग्स वाला जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है का? ऐसा तो प्रतीत होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसे फेंक दिया है। मान लेते हैं कि बनमनखी में ड्रग्स एंड ड्रग्स का जितना भी दुकानदार है, चाहे उसमें से कोई एक आदमी तो फेंका होगा? अवश्य फेंका होगा, किसी ने किसी को तो दिया होगा फेंकने के लिए। कोई ना कोई पलटा तो आकर के यहाँ, किसी ने लाया तब तो यहाँ पहुँचा है, बगैर लाए नहीं पहुँचेगा। एक्सपायरी वाला वकील साहब, एगो आदमी पगला आदमी आ जाए, जैसे होता है मेंटल डिस्टर्ब, वो आदमी आके पी ले और मर जाएगा, तब क्या होगा बोलिए तो? ये तो ऐसे फेंकना चाहिए ही नहीं, लेकिन फेंक दिया है तो उसका छानबीन किसने फेंका, उसके कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जी धन्यवाद आपका।